सब हमारा गांव थोड़ा ही ऊपर है दोस्तों, वो हमारा गांव और ये हमारा गांव का स्कूल जो 1 से लेके 5 तक है। दोस्तों यार कितना सामान लेके जाना पड़ रहा है, आफत आ गई भाई। और माँ जी कुछ बोलना चाहोगे बोल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलना क्या चाहिए, शादी में जाना बेटा कल, ठीक है, और रात को मुंह को लिखन खाना, काम से हो जाएगी ज्यादा। अच्छा हाँ जी। दोस्तों नमस्कार, मैं विक्रम पहाड़ी फ्रॉम उत्तराखंड, एक और ब्लॉग में दोस्तों यार आपका स्वागत है। दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है चंबल से, और सुबह के बज चुके हैं 8 और अभी जाएंगे हम गाँव के लिए। यहाँ से सुबह 1 करोड़ बजे बस निकलती है 9 बजे, तो तैयार हो चुके हैं, निकलते हैं ऊपर मार्केट में चंबा में और फिर निकलेंगे गांव के लिए। और भाई मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो चुका है, हम दिल्ली से आए और दिल्ली की ठंड भी लेके आ गए साथ में, अभी तक धूप आती थी यहाँ, आज धूप ही नहीं आ रही है और मौसम हार ऐसा हो रहा है, कोहरा ही कोहरा चारों तरफ। तो कुछ इस तरह है सुबह का मौसम चंबा का, और धूप भी खिलने लग गई है, वैसे खिल जाती थी पर उतनी नहीं, अभी कोहरा ही लगा हुआ हल्का फुल्का। दोस्तों यार हम मार्केट में आ चुके हैं, मोटर वगैरह की दुकान, थोड़ा मिठाई वगैरह ली और फ्रूट वगैरह लिए, यहाँ पे फ्यूट ले लिए और वेट कर रहे हैं बस का, उसके बाद निकलेंगे घर के लिए। है चंबा का मार्केट, पूरा कवर तो नहीं हो पाएगा यहाँ से, बट पुरानी रोड वाला साइड है। और दोस्तों आ चुके हैं हमारे रोड में, ये बस जाएगी हमारे यहाँ के लिए, चलते हैं। ये अपनी रोड वेज बस अभी मदन ने की, दोस्तों यार अभी पहुंच चुके हैं हम अपने गांव में, गांव है ऊपर, रोड से हम थोड़ा ऊपर आ चुके हैं और हालत हो चुकी है सबकी खराब, सब उल्टी से परेशान हो रखे हैं और सामान है काफ़ी ज़्यादा, तो चढ़ाई है गांव चढ़ने के लिए ऊपर, तो काफ़ी ज़्यादा थकान लगते है चढ़ाई में, तो बैठ बैठ के जाएंगे अब। सब हमारा गांव थोड़ा ही ऊपर है दोस्तों, वो हमारा गांव और ये हमारा गांव का स्कूल जो 1 से लेके 5 तक है, और यहाँ पे बैठने के लिए है और यहाँ पे लगे हैं खेलने के लिए बच्चों के लिए, ये देख सकते हैं आप, एक्सरसाइज कर सकते हैं, सुबह सुबह आओ और यहाँ पे एक्सरसाइज कर सकते हैं। और ये ऊपर हमारा प्यारा सा गांव, और यहाँ है नीचे रोड, यहाँ नीचे रोड है और वहाँ से आए हम पैदल पैदल, रोड वहाँ तक भी है हमारे गांव के लिए, बट अभी पूरी ऊपर तक नहीं गई, लेकिन हम यहीं से आए। और हमारा गांव का क्षेत्र पहले सामने जो घर हो है, ये पूरा हमारे गांव में आता है, ये हमारे गांव वालों के घर है ये पूरा एरिया, और कुछ गांव के घर इस साइड भी है, तो गांव काफ़ी बड़ा है, बाकी मेन गांव ये है। ग्राम सभा प्रधान ने जो हमारे ग्राम के प्रधान है, एक्सरसाइज करने के लिए, वेट लूज हो जाएगा, मेरा वेट बढ़ रहा है आजकल। दोस्तों यार कितना सामान लेके जाना पड़ रहा है, आफत आ गई भाई, एक बैग है और एक ही, और यहाँ पे है हमारे गांव का होम ग्राउंड, यहाँ पे हम क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, अभी बन ही रहा है, पूरी तरह बन रही है, देखो लड़के लोग यहाँ पे वॉलीबॉल खेल रहे हैं। और एक गांव के नीचे मंदिर है हमारा गांव वालों का, दुर्गा माँ का मंदिर, और यहाँ नीचे निकलता है पानी, और ये गांव वालों के खेत, यहाँ क्रिकेट काफ़ी खेला हमने अपने टाइम पे, अब तो खैर लड़के उतने हैं नहीं गांव में, अब फ़ोन वाले ज़्यादा हो गए, खेलते हैं तो स्कूल में खेलते हैं या यहाँ पे खेलते हैं। ये पहुँच चुके हैं दोस्तों हम गांव में, और
ये है हमारा घर यहाँ पे और ये गांव हमारा। थकान लग चुकी है, मां जी भी आ रही घास लेके सामने से। हम होते हैं घर में इधर तक। तो यार घर पे पहुंचने के बाद भाई काफी थकान लगी हुई थी और तबीयत भी सही नहीं थी क्योंकि रास्ते में उल्टियां हो रही थी सबको। तो सोए हम उसके बाद घर पे आने के बाद। अभी हो रहा है शाम का टाइम, 5 बज चुके हैं और हमारे गांव में भी भाई 2 शादियां हैं। हमने तो जाना है ऊपर जहाँ मामा की लड़की शादी है, बट हमारे गांव में भी 2 शादियां हैं। सेम कल मेहंदी है और परसों बारात जाएगी, लड़कों की है 2। और हम जाएंगे कल ऊपर वाले गांव कपलोग में जहाँ मामा की लड़की शादी है। और अभी बैठे हैं हम यहाँ पे, एल्बम वगैरह देख रहे हैं, अपनी पुरानी फोटोज वगैरह देख रहे हैं। और देख रहे हम अभी भाई की शादी का एल्बम। और कुछ इस तरह दिखता था मैं उस टाइम, साथ में दोस्त लोग और ये भाई लोग। अरे आयुष देखो इस बेटा बोले मत इधरा, ये भाई ये तो सिर्फ है ना मेरा आयुष है अपन बलवार का नहीं करने पाएगा अपन बोल मरो नहीं तो। ये है भाई भाभी और मम्मी पापा। दोस्तों शाम का कुछ इस तरह नजारा गांव का। ये मेरा प्यारा सा गांव तुनियार। यहाँ पे बच्चे लोग खेल रहे हैं फुटबॉल। और भाई गांव में काफी ज्यादा ठंडा हो रहा है। और कल जाएंगे हम शादी में, ऊपर है एक गांव वहाँ। अभी हमारे गांव में यहाँ पे और लड़के लोग अभी फोन कर रहे थे, आजा भाई देखते हैं टाइम लगेगा तो जाऊंगा वहाँ पे। और एक शादी है हमारे गांव, उनका घर काफ़ी दूर है यहाँ से उस साइड, तो उनका मकान मार्केट है हमारा वहाँ पे रजा के, तो मार्केट में कर रहे हैं। तो 2 शादियाँ हैं कल, तो एक लड़के की शादी वहाँ मार्केट में होगी, उनका अपना मकान है वहाँ तो मार्केट में करेंगे। क्योंकि यहाँ हमारे जो रोड है ऊपर सामान लेके जाना, उनका घर काफ़ी ऊपर ऊँचाई में है तो वहाँ सामान लेके जाना काफ़ी प्रॉब्लम आती है, तो उन्होंने डिसाइड किया मार्केट में ही शादी करने का। और एक शादी यहाँ गांव में है। अभी हो रहे हैं दोस्तों रात के 8 बज चुके हैं। यहाँ पे बनाए जा रहे हैं रोटी, रोटी बन चुकी है और खाना पीने का टाइम हो गया है। और आयुष खाना स्टार्ट कर दिया है और मेरे बदले का खाना दे दो माँ जी दे दे। ये हमारा किचन खाते खाना ये माँ जी और आयुष और पीयूष। गोभी आलू मटर और ये अपना घी, देसी घी गांव का पहाड़ी घी है। तो दोस्तों यार खाना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद ब्लॉग करेंगे खत्म। और ये आ चुका हूँ मेरा दूध का गिलास। भाई घर में सब कुछ है, भैंस वगैरह हमारी तो खाने को मिल जाता है घी मक्खन दूध। और देखते हैं कब तक है ये नसीब में, क्योंकि आजकल की कोई भैंस वगैरह पालता ही नहीं। और दोस्तों यार खाना पीना खाने के बाद अभी बैठे हैं सभी लोग यहाँ पे, दीदी और आयुष है माँ जी, और इंजॉय कर रहे हैं मूंगफली। आ जाओ आप भी खा लो। और माँ जी कुछ बोलना चाहोगे बोल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। शादी में जाना बेटा कल, ठीक है और रात को मुंह को लिखा खाना काम से हो जाएगी ज्यादा। अच्छा हाँ जी। और दोस्तों आज का ब्लॉग करते हैं खत्म, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करें, बेल आइकन बटन को दबाना भूले ताकि आने वाली मेरी ऑल वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। फॉलो मी ऑन आवर इंस्टाग्राम विक्टर पहाड़ी ब्लॉग नाम से मेरा इंस्टाग्राम है, फेसबुक पेज भी मेरा विक्टर पहाड़ी ब्लॉग नाम से। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट ब्लॉग में।
बाय फॉर नाउ।